काव्या ये लो। अरे राहुल, आप इतना सारा सामान क्यों ले आए? वो आज डिनर पर ना मेरे बॉस आने वाले हैं, तो तुम उनके लिए कुछ बढ़िया सा खाना बना लेना, ठीक है? ठीक है, मैं बना दूंगी। और हाँ, ध्यान रहे, कुछ गड़बड़ मत कर देना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मेरा प्रमोशन रुक जाए। प्रमोशन? ठीक है, फिर आज तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी ना कि आपके बॉस ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखना, आज आपको जरूर प्रमोशन मिल ही जाएगी। हाँ, मैं तो पागल हूँ ना जो दिन रात ऑफिस में झक मारता रहता हूँ। बेटा, अगर अच्छा खाना खाने से ही प्रमोशन मिलने लग जाए ना, तो सब लोग काम छोड़कर खाना बनाने सीख लेंगे। बढ़िया ही अच्छा खाना बनाने वाली। आइए सर, आपका हमारे घर में स्वागत है। वाह राहुल, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा है। धन्यवाद सर, प्लीज आइए। सर नमस्ते। सर ये काव्या है, मेरी पत्नी। अच्छा काव्या, तुम सर के लिए खाना लगाओ, तब तक हम काम की बात कर लेते हैं। अब ठीक है, मैं अभी लगाती हूँ खाना। अब मैंने खाना लगा दिया है, आप लोग खा लीजिए, इससे पहले ठंडा ना हो जाए। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कौन से रेस्टोरेंट से मंगाया है खाना? नहीं नहीं सर, ये खाना रेस्टोरेंट का नहीं है, ये सारा खाना मेरी पत्नी ने बनाया है। अच्छा, अब तो मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। क्या हुआ सर? बताइए सर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? काव्या, मैंने तुमसे बोला था ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए खाने में। देखना, पता नहीं सर को कैसा लगा है। राहुल सॉरी, मुझे नहीं पता, मैंने तो खाना बहुत अच्छे से बनाया था, मेरे को नहीं पता कैसे गड़बड़ हो गई मेरे से, मैंने तो हर चीज बहुत अच्छे से करी थी। राहुल इन्हें कुछ मत कहो, आज ये खाना खा के मुझे अपनी माँ की याद आ गई, उनके हाथों से बने खाने की याद आ गई। क्या? वर्षों बाद मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी माँ मेरे पास है। खैर, अब हम आगे बात करें, पहले मैं खाना खा लेता हूँ, वरना गर्मा गर्म खाना ठंडा हो जाएगा। आप दोनों खाना खाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। ठीक है। राहुल तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें तो रोज टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता होगा। हाँ ये तो है सर। और तुम्हारी वाइफ भी बहुत खुश रहती होगी, तुम उसकी तारीफ जो रोज करते होगे। तारीफ? तारीफ क्यों करनी सर, ये करना तो उसका काम है। कैसी बात कर रहे हो राहुल, गर्मी हो सर्दी हो बारिश का मौसम हो, वो तुम्हें 3 टाइम का खाना बनाकर देती है, और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी तारीफ की तो हकदार है वो। नहीं सर, दरअसल मुझे लगता है अगर हर छोटी छोटी चीज पर इन औरतों की तारीफ की जाए ना, तो ज्यादा सर पर चढ़ने लगती है, भाव खाने लगती है, इसलिए सर मैं ना इसे ज्यादा भाव नहीं देता हूँ, और मैं समझता हूँ हमें ज्यादा भाव देना भी नहीं चाहिए। राहुल तुम ऑफिस में इतनी मेहनत करते हो, अगर मैं तुम्हारी तारीफ ना करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? बुरा लगेगा सर। देखो राहुल, तारीफ करने का मतलब किसी को सिर पर चढ़ाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है कि हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अपना काम और अच्छे से करे। और पति पत्नी को तो एक दूसरे की तारीफ करते रहना चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। ठीक है सर, मैं आपसे ट्राई करूंगा। वेरी गुड। वैसे सर एक बात पूछनी थी मुझे आपसे, मेरे प्रमोशन का क्या रहा? राहुल तुमसे ज्यादा प्रमोशन की जरूरत अभिषेक को है, लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे पता चला उसने ऑफिस के कैश में कुछ गड़बड़ी की है, और इसीलिए
प्रमोशन के हकदार अब तुम ही हो, और तुम्हारी वाइफ ने मुझे इतना अच्छा इतना टेस्टी खाना खिलाया है, मुझे अपने माँ की याद दिला दी। अब तो तुम्हें प्रमोशन देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी वाइफ को करो। जी सर बिल्कुल। और हाँ, उसकी तारीफ करना बिल्कुल मत भूलना। काव्या जी क्या हुआ? वो खाना। जी क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं बना था क्या? लेकिन मैंने तो अपनी साइड से हर चीज अच्छे से करी थी, और मैंने तो पूरी कोशिश करी थी कि खाना अच्छे से बने। पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई मेरे से। आपके बॉस नाराज है क्या आपसे? अरे नहीं, खाना बहुत अच्छा बना है। तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था। थैंक यू सो मच काव्या, तुमने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था, और आज तुम्हारी वजह से मुझे प्रमोशन मिल गया है। पता है सर, तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं बता नहीं सकता। और पता है काव्या, उन्होंने और भी कई सारी बातें बोली, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में बहुत गलत था। तुम घर का इतना काम करती थी, सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती थी, और तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आई एम रियली सॉरी काव्या, तुम सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हो, और मैं कभी तुम्हारे काम की तारीफ नहीं करता, ठीक है ना? आई एम रियली सॉरी काव्या। खैर अब तुम ये बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुम मांगो जो तुम्हें चाहिए। मुझे मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए। एक दिन की छुट्टी चाहिए मतलब? और क्यों? वो इसलिए क्योंकि क्या है ना, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैं घर के काम में ही उलझी रहती हूँ। हम मुझे ना एक दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि उस दिन की छुट्टी में ना मैं जो मन चाहे ना मैं वो कर सकूँ, जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकूँ। वो क्या है ना, जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हम कहीं बाहर नहीं गए हैं। मैं पूरा वक्त घर के कामों में उलझी रहती हूँ, और इसलिए ना मैं एक दिन की छुट्टी चाहती हूँ, ताकि मैं उस दिन वो सब कर पाऊँ जो मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि उस एक दिन में ना मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, वो सब करना चाहती हूँ जो आज तक मैं नहीं कर पाई। मुझे भी फ्रीडम चाहिए, बाहर जाना है, घूमना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। इसलिए मैं बस पूरे महीने में ना बस एक दिन की छुट्टी चाहती हूँ। ठीक है काव्या, लेकिन तुम्हें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, बल्कि महीने में पूरी 4 छुट्टियां मिलेंगी, और उन 4 दिनों में तुम वो सब कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। तुम पूरे तरीके से आ जा दो। सच? हाँ सच। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों इस वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की, अक्सर हमारे आसपास के घरों में जो वाइफ होती हैं वो काफ़ी काम करती हैं, दिन भर काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, और जो मर्द होते हैं उनकी तारीफ नहीं करते हैं। अगर आपका पार्टनर कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। इससे वो हमारे सर पर नहीं चढ़ता, बल्कि इससे उसे मोटिवेशन मिलता है, ताकि वो आगे और भी अच्छा काम कर सके। बाकी आपको क्या लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम आपकी कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।